फाइनली गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड इसे का सॉल्यूशन कैसे आप निकाल सकते हो, तो फ्रेंड आप जैसे काइन मास्टर को ओपन कर लेते हो तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इसी तरह का शो होता है, द काइन मास्टर इंजिन फेल्ड, यहाँ पर इसी तरह का लिखा हुआ शो होता है। तो फ्रेंड इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो जो कि आपका मोबाइल में काइन मास्टर रन करे और आप अपना वीडियो एडिट कर पाओ बड़े आसानी से। तो फ्रेंड आपको मैं देखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखाऊंगा। जैसे कि फ्रेंड मैंने जैसे ही काइन मास्टर को ओपन किया तो द काइन मास्टर इंजन फेल्ड इसी तरह से शो होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। आपको अपना मोबाइल का सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है ऐप सेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, तो ऐप मैनेजमेंट में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर ऐप लिस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको ऐप लिस्ट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है काइन मास्टर। तो यहाँ पर काइन मास्टर कहाँ है तो मैं ढूंढ लेता हूँ फ्रेंड जल्दी से। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने काइन मास्टर को यहाँ से ओपन कर लिया कुछ इसी तरह से, और आप सेम प्रोसेस आप कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड आपको अपना सेम प्रोसेस आप इसी तरह का कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सेकंड स्टेप आपको मैं बताऊँगा जो कि बहुत ही आसानी होगा। तो फ्रेंड आपको अपना काइन मास्टर को टैप करके इसी तरह से रखना है, 2-3 सेकंड टैप करके रखना है। तो फ्रेंड टैप करके रखने के बाद फ्रेंड आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस होगा, ऐप इंफॉर्मेशन रिमूव और अनइंस्टॉल इसी तरह का ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर ऐप इंफॉर्मेशन में आपको क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं ऐप इंफॉर्मेशन में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो सेम प्रोसेस उसी जगह में आ गया है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको स्टोरेज यूज में आपको क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से क्लियर कैश में क्लिक कर देना है। क्लियर कैश कर देने के बाद यहाँ से आपको क्लियर डाटा में क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लियर डाटा में क्लिक कर देता हूँ, ओके में क्लिक कर देता हूँ। हमारा जो काइन मास्टर का जो डाटा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। इस बार जो हमारा काइन मास्टर है वर्क करेगा। तो आपको यहाँ से फोर स्टॉप में क्लिक कर देना है। तो चलो मैं फोर स्टॉप कर देता हूँ, फोर स्टॉप में क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आ जाना है होम स्क्रीन में और काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता है और देखते हैं यहाँ पर वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, कुछ इसी तरह से नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, स्टार्ट में क्लिक कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट में क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड आपको रिमाइंड मी लेटर में आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कैंसिल में क्लिक कर देना है, उसके बाद क्लोज में क्लिक कर देना है। फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा जो काइन मास्टर है वो रन करना स्टार्ट कर दिया है, वर्क कर रहा है। आपका पहले से जो काइन मास्टर में जितना भी सारा डाटा था सबका सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ से आप कोई भी आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से बड़े आसानी से आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा वीडियो को ले लेता हूँ। वीडियो को लेने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कुछ इसी तरह से आप अपना वीडियो को यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा तो वेट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड। वेट करने के बाद आपका जो वीडियो क्लिप है वो आ जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, 2 घंटे का वीडियो है, इसलिए यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो रहा है। आप अगर 2-3 सेकंड का वीडियो लेते हो तो आपका बड़े आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आप काइन मास्टर से कोई भी वीडियो को एडिट कर सकते हो बड़े आसानी से। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर देना। जैसे कि देख सकते हो ये छोटा सा वीडियो है तो कितना जल्दी आ गया। तो फ्रेंड आशा करता हूँ, आई होप ये वीडियो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय। अगर आपका कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, या फिर आप कमेंट करके जना सकते हो।
तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।